पा चाचू नहीं आ पा रहे, कुछ वीजा का इशू है। हे सॉरी सॉरी, मैंने तुम्हें नहीं देखा। मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। हिंदी बोलती हो? हे अरे एक्सक्यूज मी मिस, इंग्लिश भी बड़ी अजीब भाषा है, जो मिस नहीं होती है उन्हें भी मिस बोलना पड़ता है। हाय आई एम विकी। तो उसमें मैं क्या करूं? एंड प्लीज डोंट फॉलो मी। हर लड़की पहले यही करती है, बाद में बहुत पछताती है। मैम प्लीज टेक योर सीट। आई वांट टू चेंज माय सीट प्लीज। सॉरी द फ्लाइट इज फुल। फ्लाइट फुल हो गई है निकिता। शॉर्ट मैंने की, क्यूट लगता है ना। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? नाम जाना तभी तो बगल की सीट ले पाया हूँ मैं। देखो विक्की, तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो पर कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से जान चुकी हूँ। क्या जान चुकी हो? तुम्हारा नाम है विक्रम कृष्णा और तुम वेलिंगटन यूनिवर्सिटी से MS in फाइनेंस कर रहे हो। 2 साल के कोर्स को पूरा करने में 4 साल लगा दिए। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं जिसमें तुम फेल ना हुए हो और तुम कॉलेज की हर लड़की का फिगर। तौबा तौबा तौबा, बोलने में शर्म आ रही है। ओके थैंक्स। थैंक्स पर किस लिए? देखो अगर तुम ये सब कुछ मुझसे इंडिया में लैंड होने के बाद कहती तो मैं पूरा सफर तुम्हें पटाने में बर्बाद कर देता। अब मैं आराम से किसी और लड़की पर ट्राई करूंगा। क्या गारंटी है कि कोई और पट जाएगी? West 12D, 12D, 12D. वाह बे, वाह। Thanks. Excuse me, miss. बिल्कुल सही। हाँ सही है ना, देखिए वो आ गए। विक्की। हाय पापा, आप कैसे अंकल? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पहले से बहुत बेहतर। हाय आई एम किशोर। अरे सॉरी बेटा, ये किशोर है तुम्हारे चाचा के होने वाले दामाद। जीजा जी। आप मुझे लेने कैसे आ गए? नहीं वो एक्चुअली मेरी बहन भी इसी फ्लाइट से आई है। इसी फ्लाइट से? वो देखो वो रही, आ गए। हाय। ये कहाँ से आ गई? हाय भैया। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। कैसी हो बेटा? हाय अंकल। मैं अच्छी हूँ। पापा आप इसे जानते हैं? हाँ उमा की सगाई में सारा इंतजाम इसने किया था। ये मेरा बेटा विक्की। हाय। हाय। तुम लोग एक ही फ्लाइट में थे, तुम लोग मिले नहीं? थैंक्स अ लॉट विक्की, इट वाज ग्रेट। अब बोलो। बेचारी को फ्लाइट में पेन दिया था इसलिए थैंक्स कह रही थी। सच बोल रहे हो ना? प्रॉमिस पापा, सच कह रहा हूँ। तूने अभी झूठ बोला ना? जीजा जी, इससे मिलो, मेरा बेस्ट फ्रेंड। अरे वो सब छोड़ यार, तूने झूठ बोला कि नहीं? तुम्हें कैसे पता कि अभी इसने झूठ बोला? अरे मैं इसकी रग रग से वाकिफ हूँ, जब भी ये झूठ बोलता है मैं लेट हो। बाय बाय, बाद में मिलेंगे। चल चल चल। अरे हाँ हाँ, बाद में मिलते हैं, बाद में मिलते हैं। बाय। चलो रंगा सामान गाड़ी में रखो। जी बेटा, तुमने किशोर की बहन से ऐसा क्या कहा? वो बहुत गुस्से में लग रही थी। नहीं मैंने कुछ नहीं कहा पापा। सच कह रहे हो? प्रॉमिस पापा, मैंने कुछ भी नहीं कहा उससे। अरे जरा संभाल के, हम लड़की वाले हैं। विक्की, विक्की, गुड मॉर्निंग बेटा। हाय चाची। ये लो कॉफी पी लो। थैंक यू। हाय भैया, मेरे लिए क्या लाए हो? देखा चाची कितनी लालची हो गई है ये। उमा जाओ, पूरा ब्लैक सूटकेस तुम्हारा ही है। थैंक यू चाची। विनोद या इससे कोई भी उम्मीद मत रखिएगा।
क्योंकि बाद में आपका ख्याल मैं ही रखूंगा। मैं बताना भूल गई कि चाचा उठ गए क्या? उन्होंने कहा कि तुम उठ जाओ तो बता देना। अरे जल्दी करो, शादी में सिर्फ 20 दिन रह गए हैं, पता नहीं इतनी देर क्यों लगा रहे हो। चलो चलो जल्दी हाथ चलाओ। गुड मॉर्निंग चाचू। टाइम देखा, 10 बज रहे हैं। वो कल रात को देर से सोया था तो। तो आखिर तुम्हें मास्टर्स डिग्री मिल गई? हाँ देखे ना, मेरा सर्टिफिकेट। हे भगवान, 2 साल लग गए डिग्री लेने के लिए, तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आती? अपने छोटे भाई से कुछ सीखो। अब मैं उससे सीखूं? हाँ, IIT से BTEC और IIM से MBA किया है। वो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है, 5 लाख रुपए हर महीने कमाता है। तुम्हारे पापा सिविल इंजीनियरिंग में टॉपर थे, मैं मेडिकल एंट्रेंस में टॉपर था। हालांकि बाद में मेरी दिलचस्पी कंस्ट्रक्शन में हो गई, पर मैंने कभी पढ़ाई से मुंह नहीं फेरा, कभी नहीं। भाई साहब, आपके भाई विक्की को लेक्चर दे रहा है। अपनी पूरी फैमिली में अगर कोई नालायक और निकम्मा है तो सिर्फ तू है। देखिए फिर से शुरू हो गया। मैं तुझे एक ही बात बार बार कहता रहता हूँ विक्की, पर तुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़। चाचू वो। हाँ बाबा। बेटा तुम किशोर की बहन को पहचानते हो ना? हाँ निकी ना। रिवाज के मुताबिक उसे कुछ तोहफे देने हैं। हाँ। तुम उसे शॉपिंग पे क्यों नहीं ले जाते? और उसे जो कुछ भी अच्छा लगे उसे बेहिचक खरीदवा देना, पैसों की फिक्र मत करना। ये तोहफे वोफे की क्या जरूरत है, लिफाफे में कैश डाल के दे दीजिए उसे। विक्की, तुम्हारा मशवरा किसी ने नहीं मांगा है, अपने पापा की बात मानो। मैं निकल होता तो कभी मना नहीं करता। ये कैसा बिहेवियर है? क्या मुझे उस विक्की के साथ शॉपिंग जाना होगा? आपका दिमाग तो ठीक है ना पापा? निकी, पापा से ऐसे बात नहीं करते, संस्कार भूल गई क्या? अरे तुम बीच में मत बोलो, तुम अंदर जाओ। ठीक है, मैं किसी के भी साथ शॉपिंग जा सकती हूँ पापा, पर उस आवारा के साथ नहीं। वैसे तुम कौन हो? वही आवारा? नहीं नहीं, मेरा मतलब विकी, कृष्ण प्रसाद जी का बेटा। सुनिए जी, निकी को समझा दीजिए, अगर उस लड़की के सामने उसने ऐसे बात की तो हम लोगों की क्या इज्जत रह जाएगी। ये विक्की है, कृष्णा प्रसाद जी का बेटा। ये कब आया? बेटा कॉफी। आज ही कॉफी पीनी छोड़ दी, थैंक यू। अरे यार लीजिए। तुमने बनाई है? थोड़े बिस्किट ले आती। हाँ, अभी लाती हूँ। वो मुझसे रहा नहीं गया। बाप रे, ये पौधा भी मुरझा गया। पापा, मैं रेडी हूँ। निकी। What? सॉरी, वो मुझे तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। अब रिश्तेदार बन रहे हैं तो सब नॉर्मल कर देते हैं ना। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं अपनी हद में ही रहूंगा। नो फ्लर्टिंग, नो चीप जोक्स, मैं वही करूंगा जो तुम चाहती हो। शाम 6 बजे से पहले घर आना है। डन। उमा, हाय निकी। हाय, कैसी हो? तुम अंदर क्यों नहीं आई? मम्मी ने कहा कि शादी से पहले घर के अंदर ना जाओ। भैया, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? भैया, भैया अगर मम्मी पूछेगी तो मैनेज कर लेना प्लीज, तो हम चले। ओके, चलो बाय। एक्सक्यूज मी। सुनिए मैडम। हो गया तुम्हारा, अब चले। मैंने कुछ खरीदा ही नहीं है, कोई मेरी बात सुन ही नहीं रहा है। ऐसा क्या? एक्सक्यूज मी मिस, सर। थैंक यू मैडम। सर ये मैडम कौन है? दूर की रिश्तेदार। ओह हाँ, इतना इजीली फ्लर्ट कैसे करते हो? सिंपल है, थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ता है तो उनकी बहुत सारी तारीफ करनी पड़ती है और वो पड़ जाती है। सब लड़कियाँ एक जैसी नहीं होती, लड़कों के मामले में हर लड़की की सोच और एक्सपेक्टेशन अलग होती है, उनके स्टैंडर्ड का लड़का हो तभी यहाँ करती है। अब तो तुम्हें डोपामाइन थ्योरी बतानी ही पड़ेगी। हु? लड़कियों के सपने में लड़के ही मैन होते हैं और उन्हें प्यार होता है डोपामाइन से। तुमने कभी नोटिस नहीं किया क्या? एक सुंदर लड़की को प्यार होता है एक भद्दे लड़के से, और पढ़ाई में होशियार लड़की बैक बेंचर से प्यार करती है। या पर ऐसा क्यों होता है?
सब पावर का खेल है। जब लड़का लड़की से कम होगा तभी तो उसे नीचा दिखा पाएंगे और तुम्हारी जरूरत से ज्यादा कद्र करेगा। इसका फायदा उठा के तुम लड़कियां उसे अपनी कठपुतली बना लोगी। जो हीमैन होगा वो तुम्हारी एक बात नहीं मानेगा, पर डॉबरमैन ऐसा नहीं करेगा। वफादार होगा, इसी डर में जीता रहेगा कि कहीं तुम उसे छोड़ ना दो। ये लो। इतना क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ कि मुझे तो भगवान राम जैसे किसी लड़के की तलाश है। क्या मुझे ऐसा लड़का मिलेगा? बताओ ना, मिलेगा या नहीं? हो सकता है मिल जाए, अब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। तो फिर तुमने मुझे आइंस्टाइन थ्योरी की जगह डॉबरमैन की थ्योरी क्यों सुनाई? अब तो मुझे फिक्र होने लगी है कि पता नहीं मुझे कैसा लड़का मिलेगा। बात क्या है? लीव मी अलोन। निकी, कुछ कहूं तुमसे? आज सुबह तुम मेरे साथ आना नहीं चाहती थी पर आ गई। डिनर का प्लान नहीं था पर तुमने खाया। तुम्हें 6 बजे तक घर लौटना था पर हम अभी तक बाहर ही हैं। इसमें कुछ भी गलत हुआ क्या? नहीं ना, लाइफ ऐसी है निकी, प्लान के मुताबिक कुछ नहीं होता। अगर तुम्हारी किस्मत में राम जैसा लड़का है तो मिलेगा, पर अगर तुम्हें उससे भी अच्छा लड़का मिला तो राम की कोई जरूरत नहीं। तो भगवान से अपनी चाहत मत मांगो, उसे मांगो जो तुम्हारे लिए सही हो। निकी? हाय आंटी। उमा? हाँ? निकी आई है, कैसी हो बेटा? ठीक हूँ आंटी। हाय निकी। ये लो उमा, ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। थैंक यू। आंटी अंकल कहाँ है? आज विनोद आ रहा है, एयरपोर्ट गए हैं उसे पिकअप करने। क्या, आज विनोद आ रहा है? तुम्हें नहीं पता था? अगर पता होता तो घर पे थोड़ी होता चाची। ये तो आ गया, मर गया। मैं लगेज लेकर आता हूँ पापा, आप अंदर से। मर गया, मर गया, मर गया, मर गया, मर गया, मर गया। विनोद आ गया। लक्ष्मी देखो अपना बेटा आ गया है। अरे निक्की बेटा तुम कब आए? अभी अभी। और यह है मेरा बेटा, मुंबई से आया है। हाय। माँ कैसी हैं? ठीक हूँ बेटा, फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। अरे विक्की, विनोद आ रहा है पता नहीं। क्यों रे विक्की, अब तक तूने इसका साथ नहीं छोड़ा? बेस्ट फ्रेंड को कैसे छोड़ू। बाय द वे, सुना है तुमने एमएस कंप्लीट कर लिया? हाँ। तो आगे क्या करना है? इस शादी के बाद खुद का ऑफिस खोलूंगा। हाँ हाँ, वो तो करोगे ही, तुम्हारे पापा का ही ऑफिस है। पापा ने कार दी, पापा ने पैसे दिए। जब खुद का कुछ करोगे ना तब मुझसे बात करना, समझे? इनका लेक्चर कब तक सुनना पड़ेगा यार? अंकल कार धूप में खड़ी है, मैं छांव में लगा के आता हूँ। इसकी उम्र में किसी ने फेसबुक बनाया था, क्या नाम था उसका? हाँ, अभी हाल ही में उसने व्हाट्सएप खरीद लिया है और ये लड़का व्हाट्सएप मैसेजिंग में वक्त बर्बाद कर रहा है। विकी जाओ, तुम्हें बाहर बहुत काम है ना, इनका लेक्चर क्यों सुन रहे हो? तुम जाओ। इसी ने बिगाड़ा है।